देखिए आज हम चार कोनाई के बारे में बता देते हैं। चारों कोनाई, चार कोण मतलब ये चार कोण एक जैसा बराबर किस तरह से रहना चाहिए। देखिए ये कोनाई और ये कोनाई और ये कोनाई किस हिसाब से रहना चाहिए हम दिखा देते हैं इसको। देखिए दोस्तों ऐसे लगाना है, हम सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं पूरा, मतलब जोड़ाई करके नहीं बता रहे हम, एकदम नक्शा बना के दिखा देना पूरा, एकदम इजी है नक्शा बनाना। और ये नक्शा बना के दिखा देना, जोड़ाई करना सेम टू सेम ही है, नक्शा बना के पूरा डिटेल से दिखा दे रहे हैं दोस्तों, ये समझिए आप। ज़रा ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हम किस तरह से लगा रहे हैं, फिर ऐसे ही लगाना है। पहले जो पूरा जो रूम बनाएगा, पहले पूरा धागा मार लीजिएगा, पूरा चारों धागा मार लीजिएगा, फिर ऐसे करिएगा तो सही हो जाएगा। देखिए देखिए दोस्तों अब क्या करना है, इसको 3 फीट लेना है, ये वाला जो है 3 फीट लेना है, 3 फीट। देखिए यहाँ एरो मार दिए, 3 फीट। देखिए ये 3 फीट है, पूरा 3 फीट दिख रहा है दोस्तों, 3 फीट। और देखिए जब 3 फीट ले जाए, एक कोना से पकड़िएगा टेप और एक कोना पकड़िएगा। देखिए यहाँ से 3 फीट हो गया दोस्तों। अब क्या करना है आपको, एक कोना में लेना है, इधर लेना है 4 फीट। देखिए दोस्तों फिर 4 फीट लेना है और फिर ये कोना से मतलब ये कोना से पकड़ना है, जहाँ एरो मारा हुआ है उधर दिखा, जहाँ एरो मारा हुआ है उस कोना से पकड़ना। देखिए यहाँ से एरो मारा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा यहाँ 5 फीट है, यहाँ पूरा 5 फीट, मतलब 5 फीट हो गया। इसको पूरा धागा मार के, पूरा लाइन लाइन डोरी मार के, धागा मार के पूरा सीधा कर दीजिए। इस सीधा हो गया, ये भी सीधा कर देना, मतलब ये दोनों कोना सही निकल गया, इसको और छूना नहीं है। और फिर क्या करना है, ये कोनाई निकालना है और ये किन्हें निकालना है। ये तो पूरा दीवार सीधा है, ये वाला कोना मार दिए, कोना मार दिए, पूरा सीधा हो चुका है दोस्तों। अब क्या करना, ये वाला दीवार इसको फिर से 3 फीट लेना है दोस्तों। देखिए इसको फिर से 3 फीट लेना है, इसको 4 कोना निकल रहा है, इसको फिर से 3 फीट ले लिए और फिर इसको 4 फीट लेना है। देखिए इसको 4 फीट लिए यहाँ तक दोस्तों, 4 फीट। ये पूरा दीवार, ये दीवार पूरा सही है, लेकिन जो करना है उसको दीवार को घसकाना है, इधर करना है, जो भी करना है उस दीवार को करना है। फिर ऐसे क्या ऐसे 5 फीट लेना है इस तरफ से। देखिए दोस्तों ये भी सही हो गया पूरा, नहीं थोड़ा सा इधर घसकाना पड़ेगा, ये कोना से कोना पूरा 5 फीट, सेम टू सेम 5 फीट आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको अब क्या करना है, इसको पूरा बढ़िया से धागा मार देना, पूरा सीधा करना है, लाइन डोर मार के यहाँ सीधा करना है, जहाँ एरो मारा हुआ है दोस्तों, जहाँ एरो मारा हुआ है वहाँ से सीधा कर देना। देखिए दोस्तों यहाँ एरो मारा है, सट गया वो धागा में सट गया। पूरा धागा क्लियर है, धागा ऐसे रख दीजिएगा, पूरा सीधा हो गया, ये भी कोना, ये भी कोना पूरा निकल गया, दो तरफ निकल गया। देखिए दोस्तों अब क्या करना है, अब समझिए, लेकिन काम पूरा समझ लीजिए, फिर आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। अगर काम पूरा ऐसे सीख लीजिएगा ना, ऐसे बन मिस्त्री बन जाएगा, जो नया मिस्त्री है उसके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा आप। इसको पूरा निकालने सीख जाइएगा तो कोई काम का दिक्कत नहीं होगा, जहाँ जाइएगा वो आप निकाल सकते हैं, किसी का ज़रूरत नहीं होगा। देखिए वो वाला सही हो चुका है, ये भी सही हो चुका है, ये कोना निकालवाना है, इसको हम निकालना है, इसको इसी हिसाब से 3 फीट लेनी है, नहीं सॉरी सॉरी इसको लेना है। देखिए
इस हिसाब से इसको पूरा 3 फीट लेनी है। फेरो मार दिए दोस्तों। और इधर जो है इस कोना से इस कोना 4 फीट दोस्तों, यहाँ पे एरो मार दिए। अब क्या करना है, इसको ना पीने 3 फीट है मेरा, ऊद वाल घसकाना नहीं, जो घसकाई है यही वाला घसकाना है। अब 5 फीट देखिए दोस्तों, ये पूरा 5 फीट है, पूरा सही है मेरा 5 फीट। अब जो ये वाला दीवार है इसको कुछ करना नहीं, इसको ठीक है, ये अपने आप सीधा हो जाएगा। देखिए इसको लाइन डोर खींच लेते हैं, ये वाला छूना नहीं, तो लाइन डोर खींच के सही कर लेते हैं। चाहे एरो मारा वहाँ से तो धागा पकड़िएगा, जैसे यहाँ पे धागा पकड़िएगा, यहाँ धागा पकड़िए, ऐसा नहीं है। चाहे एरो मारा है वहाँ पे धागा पकड़िएगा, वहाँ सीधा कर दीजिएगा, फिर सब सीधा आ जाएगा। देखिए ये कोना 3 कोना निकल गया दोस्तों। आपको क्या करना है, इस कोना का निकलना होगा। देखिए यहाँ जो है यहाँ से 3 फीट में एरो मार दिए, और यहाँ जो है यहाँ से यहाँ 4 फीट एरो मार दिए, और यहाँ से फिर यहाँ 3 फीट से 5 फीट लेना है। देखिए यहाँ 5 फीट ले लिए, यहाँ 5 फीट, थोड़ा इधर आए, देखिए पूरा 5 फीट हो गया। अब क्या करना है, इसको धागा मारना है, बढ़िया से धागा मार दीजिएगा, मतलब सीधा करना होगा। देखिए जो ब्रांड पेपर है इसको सीधा कर देते हैं। देखिए पूरा कोनाई निकल गया, आपको नापी करके हम दिखा देते। देखिए यहाँ से कितना आ रहा, देखिए दोस्तों यहाँ से आ रहा आपको 4 फीट 3 इंची। दिखाओ इधर, चुम करो 4 फीट 3 इंची दोस्तों। अब देखिए इधर, देखिए इधर दिखाओ, 4 फीट 3 इंची, इधर भी 3 इंची। अब देखिए इधर भी 4 फीट 3 इंची, 900 mm, 4 फीट 3 इंची दोस्तों। और इधर भी 4 फीट 3 इंच। और देखिए कोनाई कोनाई नाप देते हैं आपको। देखिए इस कोना से पकड़े इस कोना, मतलब 1 इंची कम 6 फीट। और इधर जो कितना होता है देखते हैं, इधर भी 1 इंची कम 6 फीट दोस्तों। देखिए 1 इंची कम 6 फीट, मतलब पूरा चारों कोना ही निकल गया। जैसे आप नहीं समझ में आया, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ 3 फीट लेना है और एक तरफ 4 फीट लेना है, और उसका वो जहाँ 4 फीट का एरो मारा हुआ है, जहाँ 3 फीट का एरो मारा हुआ है, वहाँ से आपको 5 फीट लेना है। बस एक को कोना निकल जाए, फिर सेम टू सेम ऐसा कीजिए, फिर ऐसा कीजिए। देखिए दोस्तों आप काम सीखिए, आपको लाइक शेयर करने का कमेंट करने नहीं बोल रहे हैं, सब्सक्राइब करने भी नहीं बोल रहे हैं, आप पूरा काम डिटेल सीखिए। बहुत काम सीखिएगा तो लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऐसा कीजिए, ऐसे नहीं है, मेरा वीडियो देखिए, पूरा काम सीखिए, डिटेल्स काम सीख जाइए। सॉरी दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद।